वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पाव भाजी बनाएंगे। उसके लिए वेजिटेबल्स आप लोग आपके मनपसंद डाल सकते हैं। ये थोड़ी सी कैबेज है, कैप्सिकम, कैरेट, टोमेटोस, अनियन, बीटरूट, लेमन, कुकुम्बर, ग्रीन चिलीज, टोमेटोस, ये प्यूरी बनाने के लिए है। और आप पीस डाल सकते हैं हरा मटर। मेरे पास ये पीला मटर है सूखा हुआ, तो मैंने इसे 2 आवर्स के लिए सोक करके रखा है मीठा सोडा डालकर। आप हसबे ज़रूरत डाल सकते हैं मटर, पोटैटोस, ये 3 पोटैटोस हैं, मटर 1 टेबलस्पून है, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है तो किसी भी शेप में हम कट कर सकते हैं और इसे अच्छी तरीके से हम गला लेंगे। तमाम वेजिटेबल्स मेल्ट हो जाए। थोड़ी सी कैप्सिकम, थोड़े से टोमेटोस और कैबेज, ग्रीन चिलीज मैंने बचा के रखे हैं, क्रंची क्रंचीनेस बाकी रहे उसके लिए हम बाद में सॉटे करेंगे। ये हम अच्छी तरीके से गला लेंगे तमाम वेजिटेबल्स। और हाँ, आप लोग कॉलीफ्लावर भी डालिएगा, फूल गोभी। अब इसमें हमने बटर का 1 पीस डाल दिया है और वाटर डालकर हम अच्छी तरीके से गला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 ग्लास ऑफ वाटर हम डालेंगे और विसल्स लगा देंगे। अच्छी तरीके से हम इसे गला लेंगे। हम पाव भाजी मसाला बनाएंगे। इसके लिए हमने बोजवार के 2 पत्ते, एक छोटा एक बड़ा ले लिया है, दालचीनी के 2 पीसेस है, कसूरी मेथी ड्राई रोस्ट कर लिया हमने इन सभी मसालों को, हरा धनिया वो सूखा धनिया, कोरिएंडर सीड्स 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा क्यूमिन सीड्स, काली मिर्च के चंदाने, 4-5 लौंग, 4-5 इलायची और 1 टीस्पून सौंफ हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 2 पिंच टर्मरिक पाउडर, 2 पिंच सॉल्ट, 1/2 टीस्पून चिल्ली पाउडर। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। ये पाव भाजी मसाला होगा। और हाँ, आप लोग सौंठ पाउडर भी डाल सकते हैं या सौंठ का थोड़ा सा पीस इसमें डाल सकते हैं। जी नाजरीन, पोटैटोस, तमाम वेजिटेबल्स हमारे मटर के साथ गल चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मैश करेंगे। वेजिटेबल्स हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम ऑयल और बटर डालकर, बटर इसमें ढेर सारा जाएगा, अनियन, डालकर लाइट हम फ्राई करेंगे, क्रंचीनेस बाकी रखेंगे इसका अनियन का। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, थोड़ा सा हम सौते कर लेंगे, ये लो हीट पर हम फ्राई कर रहे हैं। ये पाव है, 2 पाव है ये, आप लोग इस तरह से इसमें कट लगाइए। तो मिनट्स तक हम फ्राई करेंगे।
अब हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। इसे भी हम लाइट फ्राई करेंगे ताकि क्रंचीनेस बाकी रहे अनियन और कैप्सिकम का। ये 3 टोमेटोस, हाफ बीट रूट मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसकी प्यूरी हम इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहे तो टोमेटो केचप भी कर सकते हैं। बीट रूट कलर के लिए ऐड किया है, इसे अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। अब फ्लेम हम हाई कर देंगे ताकि टोमेटो प्यूरी और बीट रूट अच्छी तरीके से पक जाए। अब हम टेस्ट के मुताबिक इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने वेजिटेबल्स में भी ऐड नहीं किया है। वन एंड हाफ टोमेटो चॉप करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा वाटर, अच्छी तरीके से पका लेंगे। 2 days मैंने चिल्ली पाउडर ऐड किया है। अब इस पॉइंट पर आप गरम मसाला, पाव भाजी मसाला और सौंठ पाउडर, आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये जो हमने पाव भाजी मसाला तैयार कर रखा है इसे हम ऐड करेंगे। तमाम स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। 1.5 teaspoon पाव भाजी मसाला हमने ऐड कर दिया। सॉल्ट, चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जिंजर पाउडर, सौंठ पाउडर जिसे आप कहते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर। हमारे पाव भाजी मसाले में तमाम गरम मसाले और कसूरी मेथी, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर एंड रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर सभी मौजूद है। अब हम इसमें ये तमाम वेजिटेबल जो मैश करके रखे हैं ऐड कर देंगे। थोड़ा सा वाटर मैं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, 5 teaspoon, 1 tablespoon वाटर मैंने ऐड किया है। अब इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। हमने 2.5 teaspoon चिल्ली पाउडर ऐड किया है और 1.5 teaspoon सॉल्ट ऐड किया है। आप लोग इस पॉइंट पर टेस्ट कर लीजिएगा, आपके टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारा पाव भाजी रेडी है, पाव हम सेक लेंगे। कहते हैं बटर मैंने डाल दिया है, प्याज, अनियन, हरा धनिया,
अच्छे तरीके से आप लोग गार्निशिंग कीजिएगा। कैबेज, टोमेटोस, ग्रीन चिलीज और अब मैं लेमन स्क्वीज करूंगी। फ्लेम ऑफ कर रही हूँ मैं। हमने बटर लगाकर अच्छे से सेक लिया है हरा धनिया डाल कर और पाव भाजी हमारा रेडी है। पाव और पाव भाजी आप लोग बनाकर देखिएगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।